क्या तारीफ करूँ उन शहजादों की जिनकी सवारी खुद हमारे प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करवाते हो और जिनकी तरबियत रसूल अल्लाह की निगरानी में हुई हो। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जन्नत के सभी जवानों के सरदार इमाम हसन और इमाम हुसैन की, जिन्हें अल्लाह ताला ने दुनिया और आखिरत दोनों में बुलंद मुकाम दिया है। एक वाकया इस तरह से कि जब ईद का चांद नजर आया तो इमाम हसन और हुसैन अपनी अम्मी जान से कहने लगे, अम्मी कल ईद है और मदीने के सारे बच्चे कल नए कपड़े पहनेंगे, क्या हम कल नए कपड़े नहीं पहनेंगे। ये सुनकर हजरत फातिमा बहुत परेशान हुई और दोनों को दिलासा दिया कि अल्लाह तुम दोनों के कपड़े का इंतजाम जरूर फरमाएगा। आपने जानमाज बिछाई और नमाज में दुआ की। कुछ ही लम्हे में किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। आपने पूछा कौन है तो उसने कहा मैं अहले बैत का दर्जी हूँ, शहजादों के लिए कपड़े लेकर आया हूँ। अगले दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत फातिमा से पूछा क्या तुम जानती हो ये कपड़े कहाँ से आए हैं। ये कपड़े अल्लाह ने जन्नत से दिए हैं और वो शख्स जो कपड़े लेकर आया था वो कोई और नहीं हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे।